सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जितने भी ICSE एंड ISE 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर वन के रिगार्डिंग, जो कि तुम्हारा सेमेस्टर वन नवंबर में एग्जाम्स जो होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसके रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। देर इज़ अ बिग चेंज जिसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इफ़ यू आर ICSE और ISE 2022 बैच स्टूडेंट, देन मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पर तुम्हारा मार्किंग स्कीम को लेकर एक बहुत बिग अपडेट है जिसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके साथ साथ जो भी अपडेट्स आता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कुछ भी इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करते हैं, वो सारा चीज मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती हूँ। सो एनीवेज, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर अपडेट क्या है, यहाँ पर तुम्हारा काउंसिल की तरफ से तुम ये बोलोगे कि ऑफिशियल साइट पे तो अभी तक कोई भी न्यू नोटिस नहीं आया है। सो हेयर लेट मी टेल यू दैट काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, CISE का जितना भी स्कूल्स है, उन सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को एक लेटर या फिर तुम बोल सकते हो एक सर्कुलर सेंड किया गया है काउंसिल की तरफ से, जिसमें कि तुम्हारा मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस है, स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, जितने भी 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं। सो ये सर्कुलर में क्या मेंशनड है, सब्जेक्ट इज रिगार्डिंग द क्लैरिफिकेशन ऑन द मार्क्स अलॉटेड इन द ICSE सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन, दैट इज स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। देन दिस हैज़ रेफरेंस टू द सर्कुलर डेटेड 6th of August 2021। तो यहाँ पर अपडेट क्या है, लेट मी टेल यू, 6th of August 2021 को काउंसिल का एक ऑफिशियल सर्कुलर आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें पता होगा कि 80 मार्क्स का होगा एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100, फिर सेमेस्टर वन 80 मार्क्स का होगा, सेमेस्टर टू 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स तुम्हारा प्रोजेक्ट से होगा, उसके बाद तुम जो भी स्कोर कर सकती हो दैट इज़ गोइंग टू बी उसको हाफ कर दिया जाएगा और उसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो तुम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज थे, इवन आई वॉज कन्फ्यूज रिगार्डिंग दिस, वेदर सेमेस्टर वन तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा या फिर 80 मार्क्स का। अब ये जो सर्कुलर आया है काउंसिल ने, सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को क्लियरली यहाँ पर ये इन्फॉर्म किया है, दे हैव स्टेटेड दैट जो कि हमारा सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन है, इसका मार्किंग स्कीम चेंज हो गया है। सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन अब 40 मार्क्स का होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। सो 40 मार्क्स तुम्हारा सेमेस्टर वन का होगा, 40 मार्क्स तुम्हारा सेमेस्टर टू का होगा, वन क्वेश्चन विल कैरी वन मार्क्स और तुम देख सकते हो जो कि स्पेसिमेन पेपर है उसमें भी 40 मार्क्स लिखा हुआ था क्लियरली। एंड इसके साथ साथ टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का रहेगा, सो टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का रहेगा, जिसके अंदर तुम्हें पूरा पेपर कंप्लीट करना है। पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट वन पार्ट टू कर करें क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, वन क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क्स, लेकिन सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, इस तरह से तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर दिया हुआ है। बहुत जल्द हम स्पेसिमेन पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, जो भी काउंसिल का ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स आया उसको भी हम सॉल्व करेंगे, विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पर क्या अपडेट आया है वो तुम्हें मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अब तुम पूछोगे ISE के लिए, ICSE के लिए 40 मार्क्स का होने वाला है सेमेस्टर वन, काउंसिल ने क्लियर कर दिया है, अब तुम्हारा 80 मार्क्स का नहीं होगा, अब तुम्हारा सेमेस्टर वन 40 मार्क्स का होगा, सेमेस्टर टू 40 मार्क्स का होगा, 40+40=80 एंड 20 मार्क्स, रेस्ट 20 मार्क्स इज गोइंग टू बी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, तुम्हें मिलने वाला है जो कि तुम्हारा स्कूल में प्रोजेक्ट होगा, तुम्हें प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मिला होगा टॉपिक्स, तो 20 मार्क्स तुम्हारा प्रोजेक्ट से होगा। ISE के लिए क्या अपडेट है, ISE स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारा सेम है, जो तुम्हारा सर्कुलर 6th of August को रिलीज हुआ था उसमें तुम्हारा जो भी लिखा हुआ था ISE के रिगार्डिंग वही होगा, यानी कि तुम्हारा सेमेस्टर वन ISE के लिए 80 मार्क्स का होगा, ISE स्टूडेंट्स के लिए 80 मार्क्स का होगा। अब ऐसा नहीं है कि 80 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स का ही होगा, यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सारा 80 मार्क्स का होगा सेमेस्टर वन, और बाकी सारा सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा एज यूजुअल 30 मार्क्स तुम्हारा प्रैक्टिकल से होता है, और जो कि 70 मार्क्स है रेस्ट 70 मार्क्स का तुम्हारा सेमेस्टर वन का होगा। सो सेमेस्टर वन का इंग्लिश का बात करो या फिर इंग्लिश लिटरेचर का बात करो, लैंग्वेज लिटरेचर 80 मार्क्स का होगा ISE का, एंड तुम्हारा बाकी सारा सब्जेक्ट्स लाइक साइंस बेस्ड सब्जेक्ट जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें कि प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड है, वो सारा तुम्हारा सेमेस्टर वन का जो थ्योरी पेपर MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा वो तुम्हारा 70 मार्क्स का होगा। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि अब तुम्हारा मार्किंग स्कीम में एक बिग अपडेट है कि अब तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा, क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि 80 मार्क्स का होगा फिर उसको तुम्हारा 40 में जितना तुम स्कोर करोगे उसको डबल कर दिया जाएगा फिर हाफ करके उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली 40 मार्क्स में तुम जो भी स्कोर करोगे वही तुम्हारा सेमेस्टर वन का आउट ऑफ 40 रहेगा। सो दैट्स द थिंग एंड दैट्स द अपडेट। इसके साथ साथ बहुत जल्द हम सैम्पल पेपर्स का सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर ICSE सेमेस्टर वन एंड ISE सेमेस्टर वन बोर्ड एग्जामिनेशंस, फॉर योर MCQs
अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।